बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं यहाँ पे शामी कबाब बना रही हूँ, जिसके लिए 2 गिलास पानी डाला और 2 कप ही मैंने यहाँ पे चने की दाल डाली, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। फिर यहाँ पर हम चिकन के 5 से 6 पीसेस डालेंगे। कोशिश करने के बोनलेस लेने हैं और ये क्वान्टिटी इन सब चीज़ों की मैंने मैंशन कर दी, आपने ये डाल देनी है। फिर यहाँ पर आपको स्पाइसेस डालेंगे, जिनकी क्वान्टिटी मैंने साइड पर मैंशन कर दिया। ये नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं स्पाइसेस, सारे वही थे। यहाँ पर मैंने धनिया ऐड किया और इस सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। कुकर के अंदर मैंने डाला था और हम कुकर को ऊपर से कवर करेंगे और कुछ देर के लिए जो है इसको कुक करेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो एक साथ कुक हो जाएं और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए हर चीज़ के अंदर। 3 से 5 मिनट हो चुके हैं और आपने अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। फिर दोबारा से आप इसको कवर करेंगे और फिर दोबारा से एक बार इसको हम कुक करेंगे। बीच बीच में चेक करते रहना है, ये ना हो कि सब कुछ जल जाए, क्योंकि जो पहले हमने किया था सिर्फ पानी को बॉईल किया था। फिर आपने ऊपर 1 सीटी के बाद इसको दोबारा से खोल लेना और चेक कर लेना। यहाँ पर ऑलमोस्ट पानी जो था वो ड्राई हो चुका था। अब यहाँ पर मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। आपने थोड़ा इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है। फिर उसके बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से जो है वो मैश करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। अभी हम यहाँ पर हम चाट मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून और साथ में ही लेमन जूस डालेंगे एक अच्छे से फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैश करना स्टार्ट कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा ये ठंडा हो गया तो फिर उसके बाद ये मैश होना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपने मैशर की हेल्प से इसको मैश करना है और जो आपकी चिकन के पीसेस थे उनको श्रेड करके बीच में डाल देना है। तो यहाँ पर हम इसको मैश करेंगे। बीच में कोई चने की दाल का कोई भी पीस नहीं रहना चाहिए, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सब कुछ मैश हो चुका है और जो मैंने स्पाइसेस डाले थे वो बिल्कुल बैलेंस स्पाइसेस थे। आप अगर बहुत कम खाते हैं तो आप उससे ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम कबाब बनाएंगे। आपने अच्छी अच्छी शेप देनी है, ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, ज़्यादा पतले भी नहीं रखने, मीडियम साइज़ के ही रखने हैं और इनकी थिकनेस भी जो है वो मीडियम ही होनी चाहिए। तो जब तक मैं कबाब बनाती हूँ, आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने अंडे की कोटिंग की थी और मैंने फिर इनको फ्राई किया। ये बहुत कमाल के थे, इतने जूसी थे अंदर से और बहुत बेस्ट फ्लेवर था। आप इसे बिरयानी के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, मैंने तो बिरयानी के साथ इन्जॉय किया था। अंडे वाला जो बर्गर होता है उसके अंदर इस शामी टिक्की को रखकर बना सकते हैं, लंच में दे सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।